Hello everyone, this is Ashish Mukku and I'm an education consultant and I guide the students for abroad admission and I'm a specialized person for MBBS abroad. So, आज हम बात करेंगे एक ऐसा यूनिवर्सिटी का जो बहुत ही बड़ा यूनिवर्सिटी है. आप थंबनेल से भी आपको पता चल जाएगा विच भी यूनिवर्सिटी वी आर टॉकिंग अबाउट. तो ये यूनिवर्सिटी जो है दैट इज क्रीमिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी. इट्स अ बिग यूनिवर्सिटी, बहुत ही वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है. और आज हम बात करेंगे पहले वेयर इज दिस यूनिवर्सिटी लोकेटेड. तो क्रीमिया जो था टिल 4-5 years बैक इट वॉज अ पार्ट ऑफ यूक्रेन. ये यूक्रेन में आता था बट जब इनका क्या कहते हैं इशू हुआ रशिया के साथ तो यूक्रेन का छोटा छोटा पार्ट्स हो गया. वन रशिया ने इनका क्या कहते हैं जो क्रीमिया था वो इन्होंने ले लिया और वहाँ के लोगों ने भी वोट किया दैट वी वॉन्ट टू गो विद द रशिया. That's the first thing. क्यों रशिया ने ये स्टेप उठाया क्रीमिया को लेने का. ये स्टेप इस वजह से उठाया गया क्योंकि इनका सारा नेवल बेस जो भी था क्या कहते हैं सबमरीन बेस जो भी रशिया का था नेवी से भी रिलेटेड है वो क्रीमिया में आता बिकॉज इट इज सराउंडेड बाई वाटर. तो इट्स अ स्ट्रांग कंट्री है रशिया एज यू नो ईच एंड एवरी पर्सन नो. तो पॉलिटिकली जो भी इनको करना था उनको ये पार्ट लेना ही लेना था. और फिर यूक्रेन में दो पार्ट्स और निकल गए दैट इज लुगांस एंड दनेस्क. वो भी अलग अलग रिपब्लिक बन गए जो अभी भी स्टेबल नहीं है यूक्रेन में. और इन्हीं पार्ट्स में 80% ऑफ इकोनॉमी यूक्रेन का आता था. चलिए अब हम पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, डाइवर्ट हम करते हैं अपना टॉपिक क्या बोलते हैं और क्रीमिया. तो क्रीमिया जो है ये अब आ गया है क्या कहते हैं रशिया के पास लोगों के वोट के थ्रू. या पॉलिटिकल की कोई भी इशू हुआ हो तो हम उसमें नहीं जाएंगे. तो ये यूनिवर्सिटी बहुत ही पुराना यूनिवर्सिटी, इट्स हैज अ वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका. और अगर हम इनका स्टडीज का बात करें इट्स ए टोटल कंप्लीट इंग्लिश मीडियम. ठीक है, आपका बच्चा जो यहाँ से जाता है इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए इनका बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया भी एक मेरे को लगा कि ये उन्हीं स्टूडेंट्स को लेते हैं हु हैज़ अ पासिंग मार्क्स जिनका बायो में और केमिस्ट्री में 70% से अबव है. इन ये मतलब एडमिशन लेटर ये तब आपको देते हैं. और ये जो क्रीमिया है आपको पहुंचने के लिए यू हैव टू गो वाया मॉस्को. आपको मॉस्को में जाना पड़ेगा एंड द एयरलाइंस व्हाट यू विल कैच इज एरोफ्लोट. तो इस यूनिवर्सिटी में 6 ईयर का कोर्स है. इस यूनिवर्सिटी का क्या कहते हैं हॉस्टल जो है वो कैंपस के अंदर ही है. और इस यूनिवर्सिटी का जो सबसे एक बेनिफिट है दे हैव द इंडियन मेस, परफेक्ट एक इंडियन मेस है इनके पास. बच्चे के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वहाँ जाके फूड, वेदर इट इज़ वेजिटेरियन वेदर इट इज़ नॉन वेजिटेरियन कोई इशू नहीं है. तो ये यूनिवर्सिटी जो है ये क्या कहते हैं ये भी हमारा जैसे बशकीर मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था ये यूनिवर्सिटी भी अब टोटल कंप्लीट एक इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी हो गया है. तो इसमें जो इनका पढ़ाने का स्ट्रक्चर है जो इनका डिलीवर करने का सब्जेक्ट है क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को वो बहुत ही बेस्ट है. क्योंकि देखिए जो यूनिवर्सिटी आपको पहले क्राइटेरिया मांग रही हो कि आप नीट क्वालिफाई तो होने ही होने चाहिए एज इंडियन रूल्स और उसके साथ आपका बायो और केमिस्ट्री में 70% मार्क्स भी वो मांग रहे हैं ओनली देन दे अलाउ यू टू गेट द एडमिशन इन दियर यूनिवर्सिटी. तो आज हम इस यूनिवर्सिटी का देखिए आप बोलेंगे सर इसमें वीडियोस हमारे को कुछ बताइए कि कहाँ है क्या है. तो वो आपको इंटरनेट पे बहुत कुछ मिल जाएगा. यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग ऑन इंटरनेट. आप क्रीमिया टाइप करेंगे आपको हॉस्टल का भी पता चल जाएगा आपको. उसके बाद एवरीथिंग इज देयर ऑन यूट्यूब. सो मैं अब आपको बताने वाला हूँ इसका क्या बोलते हैं कॉस्ट. तो इसका जो कॉस्ट है खर्चा है द फी व्हाट वी द यूनिवर्सिटी जो बच्चों से ले रही है दैट इज $3,600. इसका जो हॉस्टल का खर्चा है दैट इज अबाउट $600. ठीक है सर. और उसके बाद हमारा आता है क्या कहते हैं मेडिकल का दैट इज $200. ठीक है. उसके बाद आपका आता है क्या बोलते हैं वहाँ का डॉक्यूमेंटेशन जो भी चार्जेस है एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस एंड दे आर चार्जिंग फ्रॉम ईच स्टूडेंट अबाउट $1,000 वो चार्ज कर रहे हैं पर स्टूडेंट से कि यू हैव टू गिव फॉर ऑल दीज थिंग्स. और उसके बाद वही सेम जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका कंसल्टेंसी जो होगा वो हम आपसे अलग लेंगे. वी विल चार्ज बिल्कुल अलग लेंगे, वो आपको मिक्स करके नहीं देंगे. तो हमारा जो काम होगा इस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेटर मिलेगा. यू विल गेट एडमिशन लेटर इन 7 working days. और उसके बाद आपका वीजा का प्रोसेस हम आपको करके देंगे परफेक्ट. ठीक है ना. आपका टिकट का अरेंजमेंट हर कोई यू विल
आप अपने ही पैसे से, अपने ही हाथ से उस पैसे को खर्च करेंगे. हम आपको डायरेक्शंस दिखाएंगे कैसे कैसे आपको करना है. और व्हाट वी बिलीव इन अ ट्रू कॉस्ट, जो मैं आपको बोलता हूँ कि ये उस यूनिवर्सिटी का कॉस्ट है. और यहाँ का सिलेबस, दोबारा हम उस पर आ जाते हैं, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है. दोबारा से मैं आपको बोल रहा हूँ, ये एक टोटल कंप्लीट इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है. बच्चे के लिए इट्स अ पैराडाइज. मैं आपको एक बात बोलूंगा कि इट्स अ पैराडाइज फॉर अ स्टूडेंट टू स्टडी इन दैट यूनिवर्सिटी. तो ये देखिए, आप डरिए मत कि यूक्रेन यूक्रेन से अलग हो चुका है. एंड देयर इज नो सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ देन रशिया. मतलब रशिया से सेफेस्ट मुझे कुछ नहीं लगता. इवन मैंने ये भी सुना, आई हैव सम फ्रेंड्स इन रशिया, कि व्हेन यू आर गोइंग टू रशिया दे आर गिविंग यू द वैक्सीन्स आल्सो. बट लोग उसको नहीं मान रहे हैं कि यार ये कोरोना वैक्सीन है, रजिस्टर करा रहे हैं नहीं करा रहे, बट दे आर गिविंग ऑलरेडी टू द पीपल हु आर गोइंग टू विजिट रशिया. तो ये एक सेफ कंट्री है. ये एक रशिया, मतलब आपको खुद पता है हमारा और रशिया का रिलेशन, इट्स अ लॉन्ग रिलेशन. आज का तो नहीं है, इंडियन बिजनेसमैन आर देयर, एवरीबॉडी इज देयर. तो मैं स्टूडेंट से यही बोलूंगा कि अगर आप क्रीमिया को चूज करते हैं, इट्स योर बेस्ट ऑप्शन, इट्स योर वर्थ है ये आपके पैसे में, जो आप पैसा उस यूनिवर्सिटी पे लगाएंगे. बस आपको ये है कि यू हैव टू ज्वाइन अ 6 ईयर कोर्स, मगर उसके साथ आपको क्लिनिकल मिलता है, उसके साथ जो वहाँ का टेक्नोलॉजी है उस मतलब यूनिवर्सिटी का, इट्स तो बहुत कुछ है. और दूसरा एक बड़ा ही अच्छा खबर मेरे को आज, जिनके थ्रू हम एडमिशन कराते हैं, उन्होंने हमें बताया कि जो भी हॉस्टल है वहाँ, वो नया रिनोवेट किया गया है बच्चों के लिए, ताकि आप वहाँ रह सके, आप वहाँ अच्छी तरह से आपका एक एटमोसफियर, एक आउरा बने रहने के लिए. स्टूडेंट को बहुत ज़रूरी होता है, जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, आपका प्लेस अच्छा होना चाहिए, जहाँ आप रहें आपका खाना बहुत अच्छा होना चाहिए. तो दिस यूनिवर्सिटी has maintained each and every standard according to कि जब foreign student हमारे पास आए, वो अच्छी तरह से यहाँ क्या कहते हैं सेटल हो जाए. तो इसमें क्लाइमेट इतना, आपको मैं दोबारा बोलता हूँ, इतना कोल्ड नहीं है इस जगह पे इतना क्लाइमेट, ठीक है. बाकी देखिए, छोटा मोटा प्रॉब्लम तो हर कहीं आता है. व्हेन यू शिफ्ट योर होम फ्रॉम वन टाउन टू अनदर टाउन इन इंडिया, उसमें तो प्रॉब्लम आता ही आता है. तो बच्चा अगर जा रहा है, बी स्ट्रांग, अपने ड्रीम्स पे बिलीव कीजिए, अपने आप पे बिलीव कीजिए. और पेरेंट्स को मैं भी यही बोलूंगा, अगर आप इस यूनिवर्सिटी को चूज कर रहे हैं तो दैट्स द बेस्ट यूनिवर्सिटी. अगर मैं आपको कंपेयर करता हूँ क्या कहते हैं यूक्रेन की कुछ यूनिवर्सिटीज, तो उससे बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है. स्टिल 6 ईयर कोर्स, इंग्लिश मीडियम, गुड हॉस्टल, गुड फूड, एवरीथिंग इज देयर अवेलेबल फॉर यू. और जो आपका जर्नी होगा, मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, यू हैव टू फ्लाई वाया मॉस्को, ठीक है ना. आप पहले यहां से मॉस्को जाएंगे, मॉस्को से फिर आप क्रीमिया पहुंचेंगे, ठीक है ना. एंड देयर इज अ ब्रिज भी अब बना दिया है, पहले तो क्या था, क्या कहते हैं, इसका कनेक्शन नहीं था रशिया के साथ क्रीमिया का, बट पिछले कुछ सालों में मतलब उन्होंने सी के ऊपर एक पुल बनाया है जो आपका क्रीमिया को भी टच करता है. तो वो रोड्स भी आपके ऑन है. तो वेलकम टू क्रीमिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है. आप इसमें आइए, आप इसमें पढ़िए, आपका फ्यूचर, आपका ड्रीम अपना पूरा कीजिए. और बाकी इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ हॉस्टल्स के फोटो इसमें डाल दूंगा. वीडियो के एंड में आप देख सकते हैं कि कैसा वहाँ हॉस्टल है, उनका मेस का मेरे को क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है कि सर दिस इज द मेन्यू विच वी आर गोइंग टू प्रोवाइड टू द स्टूडेंट्स, ठीक है ना. वो भी मैं आपको दे दूंगा. उसके बाद इसका हॉस्टल का जो क्या कहते हैं फोटो है, जो रिनोवेट होके नया आया है, वो भी मैं आपको दे दूंगा. तो And that's it. This is the video for Crimea State Medical University. बहुत ही पुराना यूनिवर्सिटी, NCERT recognized है. हर कोई चीज इसमें आपके लिए अवेलेबल है. If you want to join it, happy, just give me a call and we will do your process. Thanks a lot. और pics मैं इस वीडियो के एंड में, आप इसको पूरा देखिएगा एंड तक, आपको वो pics भी दिख जाएंगी सारी. Thanks a lot.